जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट में सब का स्वागत करता। गाजीपुर बॉर्डर वह बॉर्डर है जिथे राकेश टकैत के हंजुआ तो बाद सब कुछ बदल गया, बदलिया यहो जहा कुछ कि सियासत नू एंट्री उत्थे सौखी लगन लग पी। सियासत वार वार उत्थे जा रही है, हो सकता जिहड़े अज मैं सवाल पूछा उस हो सकता सवाल तुहानू वह पसंद ना आउण, हो सकता तुहानू इह लगन कि अंदोलन में इहो जे सवाल नहीं होने चाहिए, पर जे अज ये सवाल ना होए तो तुसीं साडे ते सवाल करोगे कि यह सवाल तुसीं पुछे क्यों। असीं यह सवाल इस करके पुछने हैं क्योंकि जदों अठ सियासी धिरां ते मैंबर पार्लीमेंट उत्थे जा के आउण, जदों यूपी दे विच प्रियंका गांधी एक किसान की मौत ते उत्थे श्रद्धांजलि समागम दे विच जाके बोल के आउण, इस तों अलावा जिहड़े राजसभा लोक सभा दे विच हंगामे हो रहे हैं ते वाया यूपी की कहना चाह रहे हैं, सारे लीडर यूपी दे इस बॉर्डर ते क्यों चाह रहे हैं, सारे सवाल होणगे। गाजीपुर च किहड़ी गुंजा इस अंदोलन के विचाले की कुछ हो रहा है, पहले सुन लीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए, तो ये देखिए हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए किस कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दिया उनको उधर कैद करके, ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए और ये हालात कर दिए। आप ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देंगे? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होके उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालात है। This is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. And even if there's a medical emergency, you can't reach them, they can't reach out, and internet has been completely cut off. Is this a way to treat our own people? ये मौका नहीं है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन हम ऐसा जुल्म सह नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। विदेशी कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है? कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और भाई मैं जगह पता कर रहा होगा, मैं क्या उन्हें जानूं। परवल का धरना की तरफ से किले मां लगाई गई थी, आज उन्हें उखाड़ दिया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ ले गए, ले गए सर, माई उखाड़ दी गई है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा जाल किलो का बिछाया गया था, आज सुबह उसे उठाया गया। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, कील बो रहे थे। नहीं नहीं, हम बैक फुट पर कहाँ आ रहा, प्रशासन बहुत उत्साह चीज है। देश ने कोरोना काल में देखा भी है, महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में से में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। बड़ा सवाल को पूछा जाएगा इस डिबेट के, बड़ा सवाल ये पूछांगे कि गाजीपुर बॉर्डर जरिए किसान वोटा की फसल वडन च लगी सियासत, इस सवाल से बहस होगी। पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारफ करा रहे हैं डॉक्टर पहला गर्ग, एक्टिविस्ट ने
डॉक्टर पहलागर सबका रजिस्ट्रा ने बाफरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस से जिन्हें पिंडा के मसले है खेती के मसले है किसानों के मसले है उस बारे लगातार टिप्पणियां करते हैं लगातार बोलते आ रहे हैं तो उन्होंने बॉर्डर से भी जाके आए। डॉक्टर गर्ग सर बहुत स्वागत है थोड़ा। शुक्रिया जी बहुत। खेमचंद शर्मा ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के स्पोक्सपर्सन ने तो इन्हों इस करके सद्या क्योंकि इन्हों उतों की सारी स्थिति पता है तो गाजीपुर बॉर्डर से की कुछ हो रहा बीजेपी उस बारे बहुत सख्त टिप्पणियां करती पी है इस करके खेमचंद शर्मा सद्या। खेमचंद शर्मा थोड़ा बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्शदीप सिंह कलेर श्रोमणी अकाली दल के बुलारे अर्शदीप सिंह कलेर खुद वकील भी है तो इन्हों तो सवाल जवाब जरूर होंगे क्योंकि इन्होंने इन्हों कानूनों के विरोध में एक कुर्सी छड़ी है वजीरी छड़ी है तो उस वजीरी छड़न तो बाद गाजीपुर बार्डर जाके राकेश टिकैत को सम्मानित भी करते हैं तो सबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी उत्थे जाके आते इस करके उन्होंने सद्या। कलेर साहब तुहाड़ा बहुत स्वागत है। कांग्रेस तो राणा बलजीत सिंह चहल हरा ने जुड़ना सीगा पर वो हजे तिकर नहीं जुड़ सकेंगे जो तिकर नहीं जुड़नगे वो तिकर उन्होंने स्वागत है जो नहीं होंगे तो फिर सवाल यह भी होगा कांग्रेस आई क्यों नहीं सारे मैं उन्होंने बहुत स्वागत करते हैं। सब तो पहला सवाल खेमचंद शर्मा तुम्हें करते हैं। खेमचंद शर्मा तुम्हें की लगता है कि गाजीपुर बॉर्डर से विरोधी जोड़े कट्ठे हो रहे हैं वो खेती कानून के मसले पर कट्ठे हो रहे हैं जां तुसी आपकी लाइन पर खड़े हो कि यह मोदी विरोधी है? ये सिर्फ अब मोदी विरोधी नहीं है, अब ये देश विरोधी है। आपने देखा किस तरीके से ग्रेटाग ने जो गलती से जो डॉक्यूमेंट जिसमें कंस्पायरेसी पूरी थ्योरी लिखी हुई थी किस तरीके से हमारी खेमचंद जी मैं ग्रेटा का सवाल नहीं कर रहा सर, ग्रेटा का सवाल मैं कर चुके हैं। उस तो पहला मेरा सवाल है सर जो थोड़े विरोधी उत्थे पहुंच रहे हैं सर उन्हों का सवाल है मेरा खेमचंद शर्मा गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये अब मोदी विरोधी नहीं रह गए, ये देश विरोधी भी लोग इसमें शामिल हो गए हैं और पूरे विश्व में विश्व स्तर पे इस पे कंस्पायरेसी की गई है, विश्व स्तर पे प्रोपोगंडा फैलाया गया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है और सब लोग सामने आ रहे हैं कैसे कैसे लोग इनके पक्ष में आ रहे हैं और कैसे कैसे लोग बयान दे रहे हैं। और कल पूरे देश में जो आप कह सकते हैं जो हमारे देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, उन्होंने भी पूरे विश्व को दिखा दिया कि पूरा भारत एक है, पूरा भारत एक साथ खड़ा है और जो शक्तियां हमारे देश को डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, हम उनको नहीं सहेंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। और कल आपने देखा चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे हमारे सचिन तेंदुलकर जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट हो, चाहे हमारे सिंगर्स हो, चाहे हमारे समाजसेवी हो, पूरे देश में सभी लोगों ने जो देश में अपना ओपिनियन रखते हैं, जिनकी इज्जत है, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, सब सामने आए। इस कंस्पायरेसी के अगेंस्ट हमें पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि अब ये किसानों का मुद्दा नहीं रह गया, अब ये मुद्दा देश को बदनाम करने का मुद्दा रह गया है। आपने देखा जो लोग अपने देश में अपनी सरकार को हमारे भारतीय किसान के फेवर में बात नहीं कर सकते लेकिन हमें लेक्चर देने आए हमारे यहाँ पे खेमचंद शर्मा दंगे होने चाहिए, इसकी कंस्पायरेसी की गई है। खेमचंद शर्मा सर सुन लो खेमचंद शर्मा तुम्हें यूं लगता है कि जेड़े विदेशों तो ट्वीट हुए है खेमचंद शर्मा देश के अंदरूनी दखलदाजी तुसी उन्हें मानते पे हो खेमचंद शर्मा यही कहना चाह रहे हो देश के मामले दखल है? बिल्कुल दखल है और दखल डिजिटली भी दखल है, फिजिकली भी दखल है, फाइनेंशियली भी दखल है। ठीक है, दखल हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश में कुछ जो सो कॉल इंटेलेक्चुअल हैं, जो सो कॉल लीडर हैं, उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है खेमचंद शर्मा हायर किया, उसकी सपोर्ट ली। खेमचंद शर्मा यूएसडी जो स्टेटमेंट है वो दखल नहीं है जहां यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें? देखिए दखल क्या है, दखल है कि आप ये बोलो कि आपको जो 26 जनवरी है उससे पहले आपको कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी है, आपको अपने वीडियो इकट्ठे करने हैं, आपको व्यू इकट्ठे करने हैं, आपको माहौल बनाना है, आपको सपोर्ट करना है और वो भी कौन जो भारतीय नहीं है, वो एनआरआई भी नहीं है। ऐसे लोग जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, इसे पता चलता है कंस्पायरेसी है। एक आप स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो कि कोई पॉलिसी अच्छी है या नहीं, उसको आप इंटरफेयर नहीं मान सकते थी, थी। लेकिन उसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, फंडिंग करते हो और उसी के अंदर वो हुआ जो हमारे देश को बदनाम करने की चीज है। ठीक है ठीक है खेमचंद शर्मा, ठीक है खेमचंद शर्मा, मैं सवाल इतों किया कि मोदी विरोधी है तुसी क्या देश विरोधी है? मैं फिर सवाल कर रहा है जेडे 8 पार्टियां दे मेंबर पार्लीमेंट गाजीपुर बॉर्डर गए है वो देश विरोधी है मोदी विरोधी है?
खेमचंद शर्मा मेरे से सवाल, बिल्कुल मैं तुहानू सवाल कर रहा हां, जिहड़े अठ पार्टियां दे मैंबर पार्लीमेंट उत्थे गए है वो मोदी विरोधी आ, देश विरोधी आ, किसान हितैषी आ, की आ? किसान हितैषी तो बिल्कुल नहीं है, वो मोदी विरोधी भी है लेकिन अब वो देश विरोधी हो गए। ठीक है खेमचंद शर्मा थोड़ा पॉइंट आ गया सर, थोड़ा पॉइंट आ गया खेमचंद शर्मा, अर्शदीप क्लियर, जेडे अठ पार्टियां दे मैंबर पार्लीमेंट उत्थे गए है, हरसिंह को बादल भी उन्होंने वेसी, वो देश विरोधी है, अर्शदीप क्लियर, तुहाडी पुराने भाई वाले तुहाडे ते सीधे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं केपी जी एक गल कहूंगा कि खेमचंद शर्मा जी के नाल नाल बीजेपी का दिमाग खराब हो चुका है, ये मेंटल बैंकरप्सी है बीजेपी की, कि अगर आज देश की खराब पॉलिसियां दे उत्ते सवाल चकना भी देश विरोधी कदम हो गया, और जेडे किसान उत्ते बॉर्डर दे उत्ते अपने हकों लई लड़ रहे ने वह भी इन्हों देश के गद्दार लग रहे हैं, तो मैं अज इन्हां दे राही बीजेपी सरकार नूं पुछूंगा कि जेड़ा चाइना ने आके हिंदुस्तान की टैरिटरी च पिंड वसा लिया ओहदे बारे इन्हां नूं कुछ नहीं कहना, लेकिन देश के किसान ते किल्लां भी लाउणियां इन्हां ने, उन्हां दे सड़कां दे उत्ते ते तारां भी बिछाउणियां ने। सो केपी जी अज तां तुसीं इह बिल्कुल स्पष्ट देख चुके होंगे कि मैनूं लगदा बीजेपी नूं अपनी लाइन ही क्लीयर नहीं हैगी कि इह करना की चाहुंदे ने, बीजेपी नूं अज तक यही नहीं पता हैगा कि इह कानूनां नूं डील किद्दां करना है, देश एक सिविल वॉर कनी नूं वध चुके है, इन्हां दे गलत नीतियां करके वध चुके है, पर इन्हां नूं ओहदी कोई परवाह नहीं। और उस तों अगे वी मैं इक गल कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर देश के किसान नूं देश विरोधी कह रहे ने, गद्दार कह रहे ने, तां ओह 80% उस देश दे प्रधानमंत्री है जिथे एग्रीकल्चर है, अगर अज ओह नूं देश दा गद्दार कह रहे ने तां इन्हां नूं प्रधानमंत्री रहण दा वी हक नहीं, ये अपने ओहदे तों अस्तीफा देण। 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है जिहदी हिमायत की करदे ने। चलो मैं ब्रेक लैणी है, अस्तीफा देण, ठीक है मैं अर्शदीप क्लियर ब्रेक लैनी है। अज चाइना बारे तुसी बोलते पे, जो भाईवाल से तुसी इन्हें नाल बैठते सीगे उदो चाइना बारे तुसी भी नहीं बोले। एक छोटा ब्रेक लवेंगे, ब्रेक तो वापस आके गाजीपुर च कि गुंजल है, इसे गुंजल से सवाल होंगे जी, अज ना पुछे कल तुसी सानू सवाल पुछोगे तुसी किते क्यों नहीं सीगे। वापस आ रहे वड्डा सवाल, असं ये पूछ रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर जरिए किसान वोटों की फसल वढ़न च लगी सियासत। डॉक्टर पहला गर्ग, मेरे को बहुत लंबी फेहरिस्त है, जिहड़े लीडर उत्थे जाके आए जदों राकेश टिकैत दे हंझू निकले सी, उस तों बाद प्रताप सिंह बाजवा, दपिंदर हुड्डा, संजय राउत, संजय सिंह, सुखबीर सिंह बादल, हरसिंह बादल, कनी मोजी, सारे बहुत लंबी लिस्ट। डॉक्टर पहला कर गाजीपुर दे विच ये सियासत की एंट्री इउं लगती है कि वाया यूपीए सब कुछ ट्रैक करना चाह रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, नहीं मैनू ये नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, मैं इस नाल किसी तरह भी ज्यादा एनालिसिस मैं दी करदा विश्लेषण, तो इहदे विच मैनू इस तरह नहीं लगता कि सियासत की इस तरह की एंट्री है, ये तो केवल बीजेपी नूं तां इह है वी जिहड़ा बीजेपी दे हक च आ उह देशभगत है, दूजे सारे देश विरोधी ने, ये तो किसानों नूं पहलां कहिंदे रहे ने अतवादी ने वक्खवादी ने, इक दिन नहीं प्रूव कर सके, आपदे बदमाश भेजदे रहे उन्हां राहीं उत्थे हमले कराउंदे रहे तां नहीं कुछ कर सके, सो तां गल्ली वक्खरी है, बीजेपी दा आपदा इक नैरेटिव है उह सिर ली सकदे ने, उहनां नूं हक है, पर जे असीं देखीए जां देश दे इक अंदोलन चल रिहा है उस अंदोलन च सरकार बिल्कुल निरंकुश हो जाए और सरकार प्लैन करके उस लाल किले नूं जिहड़ा साडे देश की असमत है जिहड़ा देश की धरोहर है उहनूं सुन्ना चढ़ देवे 26 जनवरी नूं ते बंदे उत्थे वाले जाण ते जिहड़े ओह बंदे जिहड़े लगातार 3 महीनिआं तों खालिस्तान दे नारे लाउंदे रहे ने इह अपने आप फिर उहनूं भज्जन दित्ता जावे, इह अपने आप ते सवाल ने, ओह साडी सरकार जिहड़ी है केंद्र दी उहनूं जवाब देणे बंदे ने पर ओह जवाब देगी नहीं क्योंकि उहनां तां इह अंदोलन नूं तोड़न वास्ते करिआ सी। जित्थों तक सियासी लीडरां दा सवाल है, सियासी लीडर सिर्फ उत्थे पता करन जा, जे तुसीं हरसिमरत कौर बादल दा बयान सुनो उन्होंने आख्या भी असीं इत्थे सिर्फ पता करना आ ताकि असीं पार्लीमेंट च बोल सकीए, वो ये नहीं कहना है भी असीं अंदोलन किवें चलू किवें नहीं चलू किथे जाऊ की करना चाहीदा है, ये बिल्कुल नहीं कहा, सारा मैं वो सुनिया सारा मैं देखिया, उन्होंने कहा असीं अठ पार्टियां दे नुमाइंदे इकट्ठे होके आए हाँ इस गल वास्ते कि साडी उत्थे स्पीकर गल नहीं सुनदे, जद असीं कहने असीं एक्चुअल हालत देख के जाके उन्होंने दसना चाहुंदे हाँ। मैं कहना जे साडे सियासी नुमाइंदे जिन्हां नूं बीजेपी दे प्रवक्ता इह कहिंदे ने वी उह देश विरोधी ने, जे चुने होए नुमाइंदे देश विरोधी ने ते फिर जे कोई मोदी साहब नूं देश विरोधी कह रहे जिहो जिहां कारवाइयां कर रहे ने तां मैनूं तां लगदा कोई अतकथ नहीं, क्योंकि इह उहनां नूं कही जांदे ने उहनां नूं कही जाणगे, इह कहना ठीक नहीं हुंदा, चुने होए नुमाइंदे ने उह जिन्ना चिर उहनां दे कोई देश विरोध दा साबित नहीं करदे उन्ना चिर उहनां सारिआं नूं कह देणा देश विरोधी ने, इह गलत है। जे मोदी साहब जाके कह सकते हैं अब की बार ट्रंप सरकार इतने दखलंदाजी नहीं सी, ये तो देश का नक बढ़ता सी इन्होंने ये कह के, सो इस करके उस पास ना जाइए। हुण साडी मैं आ रहा मैं पूरी गल करना, हाँ बोलो बोलो, जब उन्होंने आख्या है भी सानू अगे जान नहीं दिता
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਰ ਚਾਂਸ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੋੜਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 8 ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ। देखिए भैया, देश विरोधी का डेफिनेशन क्या है? देश विरोधी का डेफिनेशन है कि आप झूठ बोलो, देश को बदनाम करो और विदेशी जो कसबा रहे। सर एक का डेफिनेशन है, तुसी एक तो सर डेफिनेशन है, तुसी कड़न ला पे। एक मिनट मिस्टर क्लियर, एक मिनट प्लीज मिस्टर क्लियर, एक मिनट मिस्टर क्लियर, एक मिनट प्लीज वापस देंगे क्या आप? मिस्टर क्लियर, एक मिनट प्लीज मिस्टर क्लियर, एक मिनट प्लीज। हाँ बोलो मिस्टर शर्मा, बोलो शर्मा साहब, बोलो बोलो। देश विरोधी का मतलब है झूठ बोलो, कह रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। अरे भैया, पार्लियामेंट में डिसाइड हो गया कि हम चर्चा करेंगे और चर्चा सरकार करी, हम पार्लियामेंट में भी करेंगे, बाहर करेंगे, आप झूठ बोलो, नंबर एक। नंबर दो, आप कल कांग्रेस के मित्र इसमें कह रहे थे हम यूएन के जो है इसमें लॉ ब्रीच हुए, यूएन में किसान जाएंगे, आप यूएन की बात कर दो, आप इंटरनल मैटर को आप एक्सटर्नलाइज, आप उसको विदेशों में ले जाने चाहते हो। थर्ड, जो विदेशी लोग हैं, जो कंस्पायरेटर हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर दो। ये सारी एक्टिविटी क्या कहते हैं? ये सारी एक्टिविटी देश विरोधी एक्टिविटी, ठीक 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 ठीक। लेकिन जब आप झूठ बोलोगे, आप पार्लियामेंट में रहकर, पार्लियामेंट के एमपी रहकर आप पार्लियामेंट का अपमान करोगे। अरे पार्लियामेंट में ये बिल पास, ठीक है, पार्लियामेंट में दोबारा डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है, ठीक है, पार्लियामेंट चल रही है, तब आप झूठ बोलो कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, चर्चा नहीं करने दी जा रही है। दूसरा, ये किसानों का मुद्दा था, ये यदि तुम्हें राजनीति करनी है तो आओ इलेक्शन में, इलेक्शन तो अभी और भी स्टेट में आने को तैयार है, आप वहां पे हमारे साथ राजनीति करो, आप किसानों के कंधे पे क्यों बंदूक रख रहे हो? ठीक है खेमचंद शर्मा, खेमचंद शर्मा ठीक है, खेमचंद शर्मा, खेमचंद शर्मा रुक जाया करो, रुक जाया करो, खेमचंद शर्मा रुक जाया करो, रुक जाया करो, अपनी राजनीति से रुक जाया करो, खेमचंद शर्मा रुक जाया करो। राणा बजीत चाल भी साढ़े नाल जुड़ गया कांग्रेस से, राणा बजीत चाल तुहाडा भी बहुत स्वागत है। हां अर्शदीप क्लियर बोलो। ਏਪੀ ਜੀ, ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਠੀਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ अरे ये किसान का मुद्दा होगा तो पूरे देश का मुद्दा होगा ना। खेमचंद शर्मा, खेमचंद शर्मा, खेमचंद शर्मा, खेमचंद शर्मा, एदा विच इंटरप्ट ना करया करो, मैं अकाली दल नूं वी इही गल कह रहा, तुहानूं वी कह रहा सर, प्लीज इंटरप्ट ना करया करो, एदा ना करया करो, किसे नूं कोई समझ नहीं आऊगा, खेमचंद शर्मा एदा ना करया करो। ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਣਾ ਬਜੀਤ ਚਾਲ, ਰਾਣਾ ਬਜੀਤ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਜੀਤ ਚਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਛਿੜਿਆ ਇੱਥੇ ਜੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘੱਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਾਣਾ ਬਿਜਚਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਕਮਾਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੇਮਚੰਦ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਖੇਮਚੰਦ ਜੀ, ਖੇਮਚੰਦ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਖੇਮਚੰਦ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, 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 ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਬਿਜੀ ਚੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਡਟ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਟਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ? ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸਤ। ਡਾਟਾ ਗਰਗ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਟਾ ਗਰਗ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਇਆ ਸਰ, ਜੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਇਹ ਸੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ MP ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MP ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 20 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਔਰਤ MP ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਚਾਂਸ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੀਅਰ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟਕੈਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਰਾਣਾ KP ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। KP ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡੀ,
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਾਉਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਪ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੜੱਤਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਖੇਮਚੰਦ ਜੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਮਚੰਦ ਆ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਡਿਬੇਟ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ भैया हमें सवाल करने वाला कोई देश विरोधी नहीं है दो महीने से ज्यादा का आंदोलन चल रहा है सभी ने सवाल किए हैं हजारों में संख्या में सवाल किए हैं 11 बार चर्चा हुई है कोई दिक्कत नहीं है पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में फिर डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं लेकिन आप विदेशी ताकतों का सहारा लो आप विदेश में कंस्पायरेसी करो आप वहां पे सेमिनार करो आप वहां पे फंडिंग करो आप वहां पे थ्योरी जनरेट करो आप वहां पे बोलो कि आप वीडियो लो चलो एक सवाल का जवाब दे दो मैंने खेमचंद शर्मा एक सवाल का जवाब दो खेमचंद शर्मा डॉक्यूमेंट था किस डेट पे क्या करना है और 26 जनवरी से पहले किस तरीके की माइक्रो ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਣ ਲਓ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ भैया तिरंगे का अपमान हुआ 26 तारीख को आपने सबने देखा कि तिरंगा हटा के कौन सा झंडा लगा सर तिरंगा हटाया गया खेमचंद शर्मा सर मैं लाल किला कांड का समर्थक नहीं है खेमचंद शर्मा मैं तुहानू चैलेंज कर रहा ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
गाजीपुर च केड़ी गुंजल है इसे गुंजल दे वास्ते असीं बैठे हां कि सवाल तुहानूं समझ आ सकन सियासत चाहुंदी की है। वापस आ रहे गाजीपुर बॉर्डर जरिए किसान वोटों की फसल वढ़न च लगी सियासत टट करके एक बहुत संखेप में मैं तुहाडा जवाब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बुलारे हुण साडे नाल नहीं हैगे, उन्होंने किसी होर डिबेट में शामिल होना सीगा, पर जिहड़ा उह सवाल छड्ड के गए आ सर, इहो जिहा एक नरेटिव सैट किया जा रहा कि तिरंगे का अपमान होया। सर लाल किला कांड का कोई हमायती नहीं गा, तुसीं लोग भी नहीं होंगे, मैनूं पक्का पता इस गल का, पर डटगर जिस तरीके नाल इह किहा जा रहा तिरंगे का अपमान होया, सर उह अपमान किवें होया डटगर, मैं समझना चाह रहा प्लीज़। देखो गल यह है भी जब देश का प्रधानमंत्री ये पता होने के बावजूद ये फिर बाद मीडिया च भी आ जाने के बावजूद कि तिरंगा जिथे झूलता सी उत्थे झूलता सी, उहदे उत्ते किसी ने नहीं लाया, उन्हें लाया किसी ने नहीं, तो रादर जिथे पुलिस ने तिरंगा फाड़िया तो सड़क के उत्ते सुटिया वह भी वीडियो सामने ने, पर जे देश के प्रधानमंत्री फिर भी कहते हैं मुझे बहुत दुख है कि तिरंगे का अपमान हुआ है, तो फिर तो इंडीकेशन है भी तुम ये प्रचार करना है, एक तो यही है। हुण दूजा काउंटर की करना है, काउंटर मेरा सवाल के पी जी ये तिरंगे का अपमान दे उत्ते इस कॉन्ट्रोवर्सी च पैना भी नहीं होया तो सबनू पता भी नहीं होया कही जान, पर सवाल यह भी जो भी किले च होया जिदे च कहने अपमान होया असी कहने नहीं होया उहदी राखी करना जिम्मेवारी किहदी सी, इह मान लो हमलावर ने यह हमलावर का कसूर कढ रहे ने ते आपदा कसूर जिन्हें राखी करनी सी उहदी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये कल नूं चीन उत्ते हमला करदा साडे ते उदों फिर कहेंगे चीन का कसूर है जी, साडा तो कोई कसूर नहीं क्योंकि आप राखी नहीं करनी, आ रोज रौला पैंदा ही है, कल नूं किसे होर देश नूं कह देंगे। सो देश की राखी करना जिस देश दी सौं खांदे ने जिस देश का रोज कहंदे ने भी हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे उहदी राखी करना इन्हां दी ड्यूटी है, जे उस ड्यूटी च फेल हुंदे ने कोई ऐसी शक्ति जिहनूं ये देश विरोधी कहंदे ने जिन्हों नेशन विरोधी कहें ने जिन्हों राष्ट्र विरोधी कहें ने जो शक्ति हमला करती है तो जिहड़ा रख्या करने वाला है उहदे उत्ते सवाल उठेगा, इस करके सानू सवाल राजना दे नाल नहीं साडा सवाल उहदी रैबरी ते है। ठीक है डट करके एक होर छोटा जिहा सवाल है मेरा, उसका जवाब दे दो, उस तो बाद मैं इन्हां दा कमेंट भी लैणे आ। डट करके जदों राकेश टकैथरा ने सर तुहानू याद होगा दसंबर दे विच कहता सीगा 26 जनवरी तक ये अंदोलन जाऊगा, हुण राकेश टकैथ ने यह गल कही है अक्तूबर तक भी असी तैयार बैठे हैं, जदों राकेश टकैत इहो जे बयान दे रहे हैं तो इउं लगता है कि वह अंदोलन लंबा खिंचन वास्ते तैयार बैठे है, इस तो पहला बाकी किसान जथेबंदियां भी कहिंदियां सी पर वो इस तरीके नाल नहीं कहिंदियां सी, वह कहिंदी सी साल बैठे हैं 6 महीने बैठे हैं 1.5 साल बैठे जिन्ना जिन्ना मर्जी टाइम लग जाए, पर राकेश टकैत जिस तरीके नाल महीने दसदे पए है सर उदों उन्होंने विरोधी भी सवाल करते हैं राकेश टकैत महीने क्यों दसदे पए है, इहदे पिछे की है? देखो मैनू मैं दोहां धिरां दी हर एक दा आपदा दा एक तकिया कलाम हुंदा, मैं राकेश टकैत जी नूं हर वारी बोलदे सुनिया और उस वक्त भी बोलदे सुनिया जद जिहड़ा गाजीपुर बार्डर सी उत्थे कट्ठ बहुत घट सी, इस तों बिना इह इंसीडेंस तों पहलां दी गल करदा मैं जी, पर उह जिहड़ी भी गल कहिंदे सी उह बड़ी पाएदार कहिंदे सी, तरीके नाल कहिंदे सी, कोई बंदा डेटा सैट कर दिंदा है, कोई बंदा कहिंदा उहनां ने अज वी इही कहा है वी जिहड़ियां उह जथेबंदियां ने फैसला उही करनगियां, नेगोशिएशन भी जो कोई उही होगी, उन्होंने अज भी यही कहा भी प्रधानमंत्री कहें मैं तो फोन कर भी हाँ वो जथेबंदियां भी यही कहदियां ने राकेश टकैत भी यही कहें भी पहला आ जिहड़ियां भड़काऊ कार्रवाइया ने इन्हां नूं तां बंद करे गलबात का माहौल तो तैयार करे। सो मैनू किसी नूं डेटा तय करन दी आदत हो सकती है और मैनू लगता जे उन्हां दी इह आदत है उस आदत चों उह करिश्मा भी करके जिहड़ा होया शायद जे इदां दी आदत ना हुंदी, मैं आप ट्रेड यूनियन लीडर रहा जिहड़ा ना हिकड़ा के खड़न दे विच कई वारी बहुते सोचण विचारण च लग जांदा है, सो सोच विचार कई वारी बहुत जरूरी नहीं हुंदी उदों मौके ते जो हो गया कहिंदे हथियार कहिड़ा जिहड़ा मौके ते काम आवे। सो राकेश टकैत ते ना तां मैनूं कोई शंका है ना मैनूं पहलां हुण तां ओह हीरो ने, मैनूं पहलां भी कोई शंका नहीं सी क्योंकि उहनां दे जो मैं बयान सुणदा सी जिस तरीके नाल ओह गल करदे सी जिस लहजे नाल गल करदे सी ਉਹ ਲਹਿਜ਼ਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੌਣ ਵੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਐਮ ਪੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ,
मैं कहना ये चंगे संकेत ने और पंजाब दीआं पार्टियां ने इह लीड करिया है। कोई जो मर्जी कहे इन्हां दे आपस च आप वालिआं दे अकालीआं दे कांग्रसीआं दे जो मर्जी मतभेद होण, हरसिमरत कौर बादल ने अस्तीफा दे के सब तो वड्डी पहल करके दिखाई सी, पोलीटिकल पहल, और वह कोई किसानां च नहीं गए। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मैं भावें बिना दे नाल सहमत हाँ पर मैं अस्तीफा दिंदी हाँ क्योंकि मेरा किसान दुखी है। यह गल बहुत वड्डी सी आपकी पा उस एनडीए तो अस्तीफा देना, जिहड़ा कोई कहो जिहे सियासी मजबूरी सी कोई कुछ कह सकता फिर एनडीए नूं छड्डना। मैं तां इस नूं इक मील पत्थर मानदा, इदां ही कई मील पत्थर इस च आए ने सियासी पार्टियां जिहड़ियां हुण गईआं ने। बस मैं लास्ट गल कहना, जिहड़े एम पी गए ने इह इक चंगा कदम है, पर जे तां इस दे विच सस्ती सियासत खेडण दी कोशिश करी इहनां ने फिर तां इह जाएगा फाद। जे इहनां ने इहदों लै के इहदे उत्ते डिश्टियां शुरू कर देण, मैं कहना दूजे पार्लीमेंटरी नूं क्यों नहीं कह सकते कि जे आ हो रहा पार्लीमेंट च पार्लीमेंट देन पैरल करन ते फिर आपदे वध अधिकारां दी गल करन उत्थे आपदियां पार्टियां दे राहीं आपदी पार्टी ऐसे कॉन्फ्रेंसां करनियां शुरू कर देन वी देखो जी असीं उत्थे आ देख के आए हां किसानां नाल आ हो रहा है। इह तां अकाली दल नूं जां कांग्रेस नूं जां आप वालिआं नूं कोई नहीं रोकदा, वह आपदे थां थां दे उत्ते तमिलनाडु वाले तमिलनाडु च कर देन, तृणमूल वाले तृणमूल च कर देन। वह जा जा के लोगों को पोलीटिकल पार्टिया का बहुत वड्डा आधार है, कहन जो मर्जी कही जान हरेक पार्टी का आधार है। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा किसी का बहुत उन्होंने ड्यूटी बनती है अज लोगों आपदियां पोलीटिकल पार्टियां आपदियां पोलीटिकल स्टेजा राही ये गल नूं फोकस करनी। ठीक है राणा वजीर, चल तुहानूं इउं लगदा कि कांग्रेस है जिहड़ी वो आपदी ग्राउंड है जिहड़ी वह किसानां जरिए तैयार करन विच लगी हुई है, बीजेपी तुहाडे ते लगातार इल्जाम ला रही है, मैं भी तुहाडे तों लगातार सवाल कर रहा। राणा वजीर चहल, जिस तरीके पार्लीमेंट दे विच तुसी फेल होए हो, जिस तरीके विरोधी धिर होण दे नाते फेल होए हो, हुण तुहाडे विरोधी ये कह रहे हैं कि हुण कांग्रेस कोल इक्को हथियार है किसान, तो उहदे मोढे रख के इन्होंने आपदा सारा कुछ करना। राणा वजीर चहल लास्ट कमेंट। गल सुनो के पी साहब, यह तो हुण कांग्रेस जिवें तुसीं कह रहे हो विरोधी तौर दे उत्ते फेल हुई है, किस तरह सदन दे विच बिल पास होया सारिआं नूं ही पता गल दा। ते दूसरी गल है जमीन, मैं फिर उही गल करदा कोई ग्राउंड तराशन वाली गल नहीं, ग्राउंड खो चुकी है। यह तो लोकतंत्र दे विच है, लोगों ने जिहनूं चुनना उहनूं चुनना, बट यह गल है कांग्रेस दे उपर वारी वारी यह ब्लेम लाउणा कि जी ग्राउंड तलाश रही है, इस बिल्कुल गलत गल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानां दे नाल खड़ी है ते किसानां दे नाल ही खड़ूगी। ठीक है अर्शदीप क्लेयर, तुहाडे ते सवाल जिहड़ा उठदा पिआ वार वार, ते डाक्टर गर्ग ने तुहानू थोड़ा जिहा एक हुलारा दिता है भी हरसिंह को बादल का फैसला बड़ा सही फैसला सी, उस सब के बावजूद तुसीं सर किसानां विच जा नहीं पा रहे। अर्शदीप नहीं, फिर के पी जी मैं फिर दोहराऊंगा कि श्रोमणी अकाली दल लगातार किसानां दे विच सारा साडा कैडर उच है और किसानों की कॉल से साढ़े लीडर वह स्टेजा नहीं शेयर कर रहे, क्योंकि बिल्कुल सही फैसला है कि जिहड़ा अंदोलन है पोलीटिकल ना हो, अदरवाइज श्रोमणी अकाली दल इस अंदोलन का मुढ़ों ही पार्ट है। साडा कल्ला कल्ला काडर उत्थे है, साडे DGMC के प्रधान साहब सिरसा साहब लगातार उत्थे ने, सो यह गल श्रोमणी अकाली दल लगातार इस अंदोलन का पार्ट है, फिर चाहे वह टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो। ठीक है डाटा करके एक आखिरी सवाल तौर लाना चाहूँगा। डाक्टर गर्ग आखिरी सवाल यह है कि इस अंदोलन के विचाले जो शिफ्टिंग है उस शिफ्टिंग रकेश टकैत ने भी नकारिया, बहुत ने सवाल किया सिंघू बॉर्डर तो फोकस है गाजीपुर बॉर्डर चला गया, रकेश टकैत कहते जो फैसले हो रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा करता पाया साढ़े सारे सांझे फैसले है। डाक्टर गर्ग उस नरेटिव जो तैयार किया जा रहा है वो ये तैयार किया जा रहा है कि पंजाब हरियाणा पासे करना, मैं दोबारा सवाल लै रहा है, यूपी अगे करना है, तो इन्हें पिछे मैं एक सवाल होर तुहानू खड़ा कर दिना इस दे विचारे जिहड़ी सियासत पैदा करन दी कोशिश, वह कह रहे हैं कि जे रकेश टकैत उत्थे बैठे है उन्दे पिछे किते ना किते बीजेपी दे एक वड्डे मंत्री दा ते बीजेपी दे मुख्यमंत्री दा बीजेपी दे नाल संबंधित मुख्यमंत्री दा हथ है, इस करके अंदोलन चलता पिया। डट गर्ग मेरा इशारा तुसीं समझ गए होंगे, जे किने नाम भी ला देना जिहड़ा जिहड़ा तुसीं सैकंड पार्ट कहा है, जे तुसीं ना कहंदे तां मैं इह कहना सी, मैं मंत्री तां नहीं कहना सी भी ये नैरेटिव बीजेपी सिरज रही है, क्योंकि बीजेपी पता 84 सीटा, बीजेपी पता है जिहड़े जिथे खा पंचायत 17 सीटा ने उस एरिए, सो वो नैरेटिव सिरजा जा रहा है, वो हर तरह के आपदे आपदे नैरेटिव सिरजते हैं। पर एक गल साडे सामने सारी आ गई है, वो यह है कि ना तो टिकरी बार्डर से कोई कमजोरी हुई है, ना सिंघू बार्डर से कोई हुई है, हुण पंजाब दे विचों पिंड पिंड दे विच मीटिंगां हो रही ने, ना हरियाणा पंजाब का कोई झगड़ा पे है,
ना वैस्टर्न यूपी च हरियाणे का ज वैस्टर्न यूपी च पंजाब का कोई पिया है। ये डिवाइड करने की कोशिश अज नहीं है। अज ये कहा जा रहा है कि राकेश टकैत राही यूपी कैप्चर करी जा रही है। एक दिन यह कहा जा रहा है भी यह सिखा का अंदोलन है, यह पंजाबियों का अंदोलन है, इनू तो कांग्रेस पार्टी ने चुकया होया है, यह भी कहा जा रहा है। सो ये जो सारे नैरेटिव ने यह वक् वक् पासों अटैक करती है बीजेपी। ਉਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਸੂਗਾ ਹੀ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਇਸ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅਤੇ MSP ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਕਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਲੋ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਣਾ ਵਜੀਰ ਚਹਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, BJP ਵੱਲੋਂ ਖੇਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲ ਹੈ, ਉਸ ਗੁੰਝਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਜ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਨਾ ਟਕੈਤ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਖਰੇ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਜੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਨਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਫਿੱਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਟਕੈਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।